हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज की डेट में ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी है वॉरेन बफेट की फेवरेट कंपनी कह सकते हो, उनका इन्वेस्टमेंट भी है काफी सालों से। वो इंडिया में भी कंपनी है और अच्छा खासा टारगेट निकल के आ रहा है और लॉन्ग टर्म के व्यू से काफी बेहतरीन कंपनी है। इसके प्रोडक्ट आपको अपने घर में और हर एक के घर में डेफिनेटली मिल जाएंगे, तो इसी से रिलेटेड वीडियो है। एज वेल एज आज के दिन की बात करें तो आज के दिन में एक जो ये वीडियो बनने जा रही है एक केमिकल कंपनी से रिलेटेड बनने जा रही है और मुझे अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नजर आ रही है, इसलिए यहाँ पर आपको एक वीडियो बना के यहाँ पर मिलेगी। अगर बात करें यहाँ पर परसों के दिन में ऑलरेडी यहाँ पर एफएल इंडिया और अडानी स्टॉक्स में यहाँ पर किस तरीके की हलचल हुई है उससे रिलेटेड यहाँ पर वीडियो आई है। प्लेलिस्ट की बात करें तो यहाँ पर आपकी सहूलियत के लिए 3 प्लेलिस्ट बना रखी है। यहाँ पर आप ब्रेकआउट स्टॉक, Q4 के रिजल्ट और स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स यहाँ पर आप वीडियोज देख सकते हैं। वीडियोज देखिए, नॉलेज को शार्प करिए और नॉलेज को शार्प करके आप मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली अच्छा खासा पैसा आप मार्केट से बना पाएंगे। तो आपको लर्निंग करनी है, फिर उसके बाद सीख के आप मार्केट में आएंगे तो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बाकी बैंक सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली आपको बताया जा रहा है कि आपको स्टडी करनी है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और खुद की स्टडी करके ही यहाँ पर कोई भी पोजिशन लेनी है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं और हम बात करते हैं स्टॉक से रिलेटेड। जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें की जा रही है उसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक। इससे पहले हमने कभी इससे रिलेटेड बातें नहीं करी और अगर हम यहाँ पर देखें इस शेयर को तो यहाँ पर देखिए मैक्सिमम चार्ट पर 2018 में इसका आईपीओ आया था, उसके बाद से शेयर अगर बात करें अच्छा खासा यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया और लगभग अगर 52 वीक हाई की बात करें तो 3565 रुपए लगभग 3600 रुपए के आसपास ये शेयर जाता हुआ दिखाए। उससे यहाँ पर अगर बात करें 700 रुपए यहाँ पर गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, काफी अच्छी खासी गिरावट 25-26% की हो चुकी है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का इसका बिजनेस मॉडल है ये शेयर और भागता हुआ नजर आएगा और वन डे का चार्ट पैटर्न देखें तो आपको नेगेटिव नजर आएगा। ओके, यहाँ पर गिरावट नजर आएगी, 5 डेज का चार्ट पैटर्न भी गिरावट। अगर बात करें यहाँ पर और भी कुछ पैरामीटर की तो 52 वीक लो की बात करें 1854 रुपए का शेयर, ये जुलाई 2020 में था। 21 मई को 3568 रुपए का शेयर था, 50% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाई गई है शेयर में। और कंपनी और भी बात करें तो यहाँ पर एक्विजिशन से रिलेटेड कंपनी ने यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया है कि कुछ कंपनी शायद कुछ एक्विजिशन कर किया है। यहाँ पर बात करें डिविडेंड कंपनी देती नजर आती है, 2018, 2019, 2020 और 2021 में भी यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड दिया है। ओके, 2020 में 2 बार, 2019 में 1 बार, 2018 में 1 बार यहाँ पर डिविडेंड कंपनी अनाउंस किया। और बात करें 75% के शेयर प्रमोटर्स के आधार कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। और जब इस तरीके की होती है 75% के शेयर यहाँ पर किसी प्रमोटर्स के पास होते हैं तो मतलब होता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके जो मालिक है उन्हें अपनी कंपनी पे बहुत बिलीव है और ऐसी कंपनी को हमें डेफिनेटली चूज ही करना चाहिए। बात करें इसके बिजनेस मॉडल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कंपनी करती हुई नजर आती है, ये कंपनी देखिए इसके जो प्रोडक्ट एडिटिव्स फॉर प्लास्टिक, एडिटिव फॉर फूड्स, एडिटिव फॉर रबर, एडिटिव फॉर कॉस्मेटिक एंड फार्मा, एडिटिव फॉर पेंट्स एंड इंक, एडिटिव फॉर टेक्सटाइल्स, एडिटिव फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस, ब्राउचर्स फॉर फूड्स। अगर बात करें यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये एक कंपनी जो काम करती हुई नजर आती है, जो ये फूड्स, प्लास्टिक, रबर, फार्मा, कॉस्मेटिक, पेंट्स, इंक्स, टेक्सटाइल, स्पेशलिटी एप्लीकेशन, तो इनमें जो केमिकल्स यूज होते हैं वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, इसका सिंपल सा मतलब ये है। यहाँ पर और भी कुछ पढ़ना चाहे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर कंपनी के बारे में दे रखी है। यहाँ पर देखिए लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव इन इंडिया, इंडिया में इस चीज का मतलब ओलियो केमिकल जो बनाती है सबसे बड़ा यही मैन्युफैक्चरर है एंड स्ट्रॉन्ग प्लेयर ग्लोबली इन दिस इंडस्ट्री, और इस इंडस्ट्री में ग्लोबली भी यहाँ पर अच्छा खासा यही कंपनी काम करती हुई नजर आती है। द कंपनी प्रोडक्ट वाइड रेंज ऑफ स्पेशल प्लांट्स डेरिवेटिव ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव यूज इन द फूड, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक, इंक कोटेड एंड ये जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ लिया है तो इसमें कंपनी काम करती हुई नजर आती है। और अगर बात करें यहाँ पर इनके जो प्लांट्स अंबरनाथ, बदलापुर, डोंबिवली मतलब महाराष्ट्र में ही मुंबई में यहाँ पर नजर आते हैं, नवी मुंबई में इनका एक R&D सेंटर है महापे में, तो ये कंपनी के बारे में यहाँ पर है, आप इससे पढ़ सकते हैं इनके जाएंगे तो। इसके अलावा यहाँ पर प्रोडक्ट्स की बात करें तो इनके प्रोडक्ट्स काफी सारे हैं, इसी चीज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पर जो कॉस्मेटिक्स आते हैं उसमें जो प्रोडक्ट्स यूज होता है वो ये बनाते हुए नजर आते हैं। फूड और बेकरी में जो प्रोडक्ट ईस्टर यूज होता है वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। एरोमा के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं वो ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है, मतलब वाइड रेंज ऑफ मतलब क्लीनर्स के लिए, डिसइंफेक्शन टेंट के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसमें ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, उसके केमिकल्स वगैरह। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, कंपनी डाइवर्सिफाइड है। ओके, इनका जो बिजनेस है बड़ा डाइवर्सिफाइड है और
इस वजह से यहाँ पर अगर बात करें, इनका जो शेयर है 800 रुपए से, अगर मैक्सिमम बात करते हैं 2 साल के अंदर अंदर, 800, 3 साल लगा लीजिए, 800 रुपए से 3600 रुपए तक जाता हुआ दिखाई दिया है। तो मतलब अच्छी खासी यहाँ पर ग्रोथ होती हुई नजर आई है, और ऐसा नहीं है कि पेंडेमिक की वजह से यहाँ पर ग्रोथ है, पेंडेमिक से पहले यहाँ पर ग्रोथ चलती आई है। यहाँ पर देख सकते हैं आज पेंडेमिक में भी यहाँ पर ग्रोथ हुई है, और वैसे भी यहाँ पर ग्रोथ है ही। तो अगर इसके रिलेटेड और भी चीजें हम देखें तो यहाँ पर इनके फाइनेंशियल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मार्केट कैपिटल स्मॉल कैप कंपनी 8,665 करोड़ रुपए की कंपनी है। आरओसी काफी अच्छी है 22% की। और बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 8% का ही डेट है, ना ही ज्यादा डेट है, प्लेजिंग कोई नहीं है। तो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और बात करें क्वार्टरली रिजल्ट्स की, तो यहाँ पर जो इस बार के जो रिजल्ट्स आए हैं, पिछले 2-3 क्वार्टर में जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हाईएस्ट एवर रिजल्ट्स आ रहे हैं, और कंसिस्टेंसी यहाँ पर नजर आ रही है इनके रिजल्ट्स में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हाईएस्ट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो हाईएस्ट एवर नहीं है, खर्चा इनका ज्यादा होता है वो नजर आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर नहीं है, बट स्टिल अगर बात करें यहाँ पर रेवेन्यू ज्यादा आता हुआ नजर आ रहा है ना, यही एक अच्छी बात होती है। बाकी खर्चों पर जिस दिन कंट्रोल कर लेंगे तो और कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी करती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ईयरली बेसिस पे ही बात करें तो यहाँ पर देखिए 778 करोड़, 856,000, 60,038 और 1133, मतलब बात करें तो ईयरली बेसिस पे कंपनी ने काफी बेहतरीन, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी बेहतरीन यहाँ पर कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पर परफॉर्मेंस किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर 2019-2020 में अच्छा खासा प्रॉफिट था। अभी थोड़ा खर्चों की वजह से एक्सपेंसेस, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर पेंडेमिक है तो एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हुए नजर आए। नेट प्रॉफिट की बात करें वो भी हाईएस्ट एवर पिछले 2-3 क्वार्टर में आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब एटलीस्ट कंपनी ने एक भी साल ऐसा नहीं है जब अब नेगेटिव परफॉर्मेंस करके दिखाया है, और बल्कि रेवेन्यू बढ़ते हुए ही नजर आए है, एक्सपेंस ज्यादा होता हुआ नजर आया, इस वजह से बस नेट प्रॉफिट में यहाँ पर गिरावट है, बाकी कोई इशू नहीं है। अगर बात करें यहाँ पर एक्सपेंस में भी, यहाँ पर जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती हुई नजर आ रही है वो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बाकी यहाँ पर बात करें रिजर्व्स की, कंपनी के रिजर्व्स अगर बात करें 3-4 साल में यहाँ पर डबल होते हुए नजर आ रहा है, 716 करोड़। बोरिंग की बात करें यहाँ पर 125 करोड़ रुपए की 1 साल पहले यहाँ पर बोरिंग थी, 57, मतलब हाफ से भी कम कर दी है, जो कि काफी अच्छी बात है। यहाँ पर अगर बात करें फिक्स एसेट भी 196 का है। यहाँ पर कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस में लगभग 26 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च की है, तो अगर ये जब यहाँ पर एड होते हुए नजर आएंगे तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू है वो भी बढ़ते हुए नजर आएंगे, बढ़ती हुई नजर आएगी। तो इस चीज को थोड़ा समझिए, वर्ल्ड वर्ल्ड में और इंडिया में लीडर भी है। ट्रेड रिसीवेबल अच्छा खासा है, कैश कंपनी के पास अच्छा है, और जो भी कैश आता है यहाँ पर बुक में दिखाई देता है, हाईएस्ट एवर पिछले 2-3 साल में यहाँ पर कैश फ्लो दिख रहा है। अच्छा खासा इनका आरओसी है, 22% 33% के आरओसी पे कंपनी काम कर रही है। प्रमोटर्स की बात करें 75% शेयर यहाँ पर प्रमोटर्स की है, मतलब प्रमोटर्स यहाँ पर 1% की होल्डिंग सेबी के रूल्स के हिसाब से जो है वो ही देना चाहता है, उसके अलावा और देना ही नहीं चाहता। एफआईएस की होल्डिंग बात करें 5.93 है, डीआईएस की बात करें 14.919 है, तो मतलब एफआईएस और डीआईएस ने भी अच्छी खासी यहाँ पर होल्डिंग लग रखी है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक के पास 4.88% है, और इसमें भी एचएनआईज यहाँ पर होंगे, रिटेल इन्वेस्टर तो ना के बराबर ही होंगे, 0.88% रिटेल होंगे, बाकी 4% यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर आपको इन्वेस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो आप बात करें यहाँ पर कुछ टेक्निकल से रिलेटेड, टेक्निकल ऐसा कुछ खास चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नहीं नजर आ रहा है टू बी वेरी फ्रैंक, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ फैक्ट्स से रिलेटेड, तो देखिए एक आरएसआई के बेस पे अगर मैं बात करूँ तो कंपनी ऑलरेडी यहाँ पर 25-26% यहाँ पर गिरती हुई नजर आ चुकी है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो आरएसआई है 37.38 है, जो कि बड़ा फेवरेबल है, और थोड़ा सा और अगर यहाँ पर गिरता है, मुझे नहीं लगता 200 DMA के आसपास आके यहाँ पर मूव करेगा, पर थोड़ा बहुत अगर और गिरता है तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने की। बाकी हाईएस्ट एवर यहाँ पर रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर ही रही है, तो इस चीज को देखते हुए जब नेक्स्ट बार के रिजल्ट आएंगे तो कंपनी इस पीरियड को भी यहाँ पर अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आएगा ये शेयर, इस मुझे लगता है। बाकी अगर देखें तो RSI भी यहाँ पर फेवरेबल है, और जब भी यहाँ पर RSI की जैसे मैं बात करता हूँ हमेशा ही कि जब भी RSI यहाँ पर 30 के आसपास आता हुआ नजर आता है शेयर वहां से भागता हुआ ही नजर आता है, जैसे कि यहाँ पर भी देखिए 30 के आसपास था, फिर इसके बाद शेयर भागता हुआ नजर आया, दोबारा एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, फिर यहाँ पर आ रहा है, फिर भागता हुआ नजर आ रहा है। बट यहाँ पर बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आपको
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कुछ करना है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये शेयर भागेगा, बाकी आप अपने हिसाब से देखिए। और काफी अच्छा यहाँ पर गिरावट हो चुकी है, और तब जहाँ पे यहाँ पर शेयर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाया है, अपने रिजल्ट के बाद से कंटिन्यूअसली गिर रहा है, और दोबारा जब रिजल्ट आएंगे तो अच्छा खासा भागते हुए नजर आएगा। तो इसी चीज से रिलेटेड वीडियो थी, और बाकी यहाँ पर बिजनेस मॉडल काफी सॉलिड यहाँ पर नजर आ रहा है, इसके फाइनेंशियल काफी अच्छे खासे है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलते रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।